बात कर रहे हैं गेल इंडिया की। आज के दिन की बात करें तो गेल इंडिया में हमको साइडवेज ट्रेड होते हुए नज़र आया है, लेकिन हम देख सकते हैं स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस को 220 के लेवल को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिखा गया है। ये अब हमारे लिए पॉजिटिव बात रहेगी क्योंकि स्टॉक ने 220 के अपने मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दिए। अब इम्पॉर्टेंट रहेगा इसका लिए कल का दिन, अगर 220 के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता, इसके ऊपर सस्टेन होता है, तो गेल इंडिया यहाँ से हमको और तेज़ी दिखा सकता है। गेल में और बड़े टारगेट हमको आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकते हैं। नीचे की ओर 220 का लेवल जो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, जिस लेवल को ब्रेकआउट किया है, जहाँ से रिजेक्शन लिया था 220 का लेवल, और तगड़े सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। ये जो लो है 208 का लेवल तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा गेल के लिए। अब हम देख सकते हैं स्टॉक ने 220 के ऊपर हमको क्लोजिंग दिखाई है। जंप कहाँ तक का दिखाया था आज के डेट में, तो देखा जा सकता है 224-225 तक का स्टॉक ने हमको जंप दिखाया था। तो कल के दिन में 225 हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा। इसको ब्रेकआउट कर जाता है फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक, देख सकते हैं जहां से इससे पहले स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई थी 30-31 का लेवल, इस लेवल पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करेगा। लेकिन चार्ट पैटर्न की ओर एक नज़र डालो तो पता चलता है जंप के बाद गिरावट, लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, जंप पर हाई ब्रेकआउट, अगेन गिरावट आई तो लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, जंप पर हाई ब्रेकआउट, गिरावट जंप हाई ब्रेकआउट, लगातार तेज़ी दिखा रहा है। तो वैसे कंडीशन में 230 के ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। 230 का ब्रेकआउट हो गया तो अगला टारगेट 234 और फिर 240 तक का जंप गेल इंडिया में हमको शॉर्ट टर्म में ही देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ तक के टारगेट हमको गेल इंडिया दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।